डरना नहीं है भाई, एक बार आप भागे फिर तो बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप आराम से चले जाओगे ऊपर। और बाकी अब देखो इसके बाद अब आप वापस अभी रूम पे जा रहे, नहाएंगे धोएंगे थोड़ा, उसके बाद देखते हैं एक यहाँ पे कोई वाटरफॉल का कुछ बताया, वहां जाके देखते हैं क्या है। काफी बड़ा वाटरफॉल बता रहे हैं, तो देखते हैं क्या है वहां पे आज, तो मिलता हूँ वहीं पे। भाई लोग यहाँ से हम जा रहे हैं गुनेर वाटरफॉल, अभी थोड़ा सा दूर है आई थिंक, ऐसे 2-3 किलोमीटर है आई थिंक। और यहाँ पे अगर आपको नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, तो रोप सा दिख रहा है आई थिंक, क्लियर नहीं होगा, बट हाँ वो है, वो है स्काई स्काई साइकिलिंग। तो एक सामने वाले पहाड़ से इधर जोड़ रखा है रोप को साइकिलिंग करने के लिए, उसमें बीच में रोप के वो लोग साइकिल चला के आते हैं। अगर आपको पता नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्योंकि साइकिलिंग कर रहा है अभी, बट आई थिंक नहीं दिख रहा होगा क्लियर, अगर कुछ एंगल मिलेगा जरूर दिखाऊंगा आपको वहां से। वो साइकिल तो कैसे चल रही है, तो यहाँ से आपको सब क्लियर दिख रहा होगा साइकिलिंग का आई थिंक, तो ऐसा कुछ यहाँ से साइकिल पर जाते हैं उस पॉइंट तक जो सामने है, हाँ वहाँ से इधर, इधर से उधर। ये परमा ब्रिज है, मेरा काम था होगा। अच्छा ब्रिज भी कुछ है यहाँ पे, पर ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। अच्छा बचपन में ठीक है, कितनी प्यारी लड़की है, कितनी प्यारी सी लड़की है। अरे ये कौन सी क्लास में है, थोड़ा तो मतलब हो ही नहीं सकता, सेकंड थर्ड बोलते हैं मार। तो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग मिली हमें यार, ये तो बहुत छोटी है, अभी आगे चलेंगे, पहले बड़ी वाली तो हो जाए। अभी यहाँ से हमें आज ट्रैक करना है, और काफी अभी एक जो आपने पीछे देखा अभी छोटा वाटरफॉल था, छोटा का तो कहने लायक है, बस है कुछ नहीं यहाँ पे। अब आगे जाएंगे और ट्रैक करके, तो वहाँ पे बड़े वाला वाटरफॉल है, देखते हैं कैसा है वाटर, बड़ा वाला क्या है उसमें क्या नहीं है, जाके देखते हैं क्या सीन है। अरे लोग पीछे आ रहे सारे, काफी पीछे, तो बढ़िया से व्यू देखिए सर, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यार। अगर आपको कुछ थोड़े ऊपर लोग दिख रहे आते हैं, तो वहां से अभी हमें और ऊपर जाना है सामने की तरफ से ना, वहां से और ऊपर, अभी तो बस चलते जाओ चलते जाओ। टफ ट्रैक तो नहीं है देखो, हल्का हल्का स्टीप तो नॉर्मल होता ही है, पहाड़ है, बस चलते रहो पहुंच जाओगे आराम से आधे घंटे में। लेकिन जो भी यहाँ से व्यू काफी बढ़िया आ रहा है यार, जैसा भी आ रहा है। तो देखो गाइस हम वहां से आ रहे हैं, जो ब्रिज देख रहे हो बस नहीं दिख रहा होगा, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है यहाँ पे अभी, बट वहां पे ब्रिज है जो आपको रोप वाला दिखाया था, स्काई साइकिलिंग वाला, वो काफी नीचे है, जब नदी दिख रही होगी आपको एक, वहां से हम चलते हुए आ रहे हैं उसके पीछे से काफी, और हम काफी हाइट पे आ चुके हैं इस टाइम, अभी तो हमें बहुत जाना है। और ट्रैक जैसे देखो ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से कर सकते कोई भी, आराम से करोगे तो मस्त मजे में पहुँचोगे, हल्की फुल्की सांस फूलती है क्योंकि थोड़ा स्टीप तो है, और चलते मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए ज़्यादा फूलती है यार। और बाकी इस साइड पे आके मौसम का देखो, ये कि मौसम बढ़िया है, ना गर्म ना ठंडा, हाँ धूप में थोड़ा गर्म ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो सीधी मुंह पे पड़ रही है, तो बस उसका है थोड़ा। अब
बाकी चलते मैं जो बोल रहा हूँ उसकी भी थोड़ी सांस फूल रही है, तो इसलिए समझ सकते हो बस। अपने लोग पीछे रह गए थोड़े से, आ जाएंगे वो भी। तो ये चीज़ हम, ये हम ट्रैकिंग कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के बाद। सुबह करी पैराग्लाइडिंग, अब कर रहे ट्रैकिंग, और शाम को देखते हैं दोबारा बॉनफायर करेंगे आज। तो भाई देख रहे हो यहाँ से हमें नीचे जाना पड़ रहा पूरा, बिल्कुल पत्थरों पैर रख रख के जाना है हमको। जितना आराम से होगे उतनी अच्छी बात है आपके लिए। हाँ अब यहाँ से कहा जाऊँ। अच्छा ओ भाई ये है खतरी वाली चीज है, ये पकड़ना। अदिति नहीं कर पाती भाई। फिर आने दो। कोई रास्ते देख पा रहे हो कैसे उतरना पड़ रहा है मैं झरने के लिए। एक इसके आगे तो बहुत एडवेंचर है भैया, इसके आगे तो ज्यादा एडवेंचर है। इसके आगे भी कुछ, इसके आगे तो गाइड लगता है। तो गाइड भी उतनी पहले भी आए भैया एक बार। तो भाई यार आप कुछ चले जाएंगे तो आपसे कोई बंदा चार्ज नहीं लेगा। ये जितने बंदे गए हैं ना भैया गाइड के बिना नहीं जाते यहाँ से, चाहे किसी बंदे को पूछ लो आप। तो चलते हैं बस। चलो भाई अब ना इस चार्ज होने ना वक्त तो पहुँच ही गया, अब इस चार्ज होने 10 मिनट 5-10 मिनट का। आओ चले आ जाओ इतने आए तो देख लो। ये अपने लोग उतर रहे ऊपर से। जहाँ तक आज इस कैमरा का वाटर टेस्ट भी होने वाला है, मैं पानी में घुसड़ने वाला हूँ आज। बहुत टाइम से मौका नहीं मिला से निकालने का पानी के अंदर, तो मैंने कहा आज निकाल लेंगे से पानी के अंदर एटलीस्ट एक बार, तो कुछ सेकंड्स के लिए सही, कुछ तसल्ली मिल जाए एक बार। वैसे है आपका वाटरफॉल, ये वाटरफॉल तो पीछे खैर पानी काफ़ी डीप है, आप उन लोग भीग जाएंगे इसलिए जान नहीं रहे जान मुझके, तो ना जाने और जा सकते हैं। तो गाइस वाटरफॉल तो हम होके आ गए। एक्चुअली वहाँ पर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि ना भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब लिटरली लोग पानी के अंदर चेयर्स लगा के वहीं पे चाय पी रहे, वहीं पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे, सब कुछ वहीं पी रहे। अब ये तो तुम समझ सकते हो अगर इतने लोग यहाँ पे ये सब कर रहे होंगे चाय पानी, तो अपना जो कूड़ा होगा यानी जो ग्लास वगैरह होंगे जो डिस्पोजल जैसे भी ग्लास होंगे है तो वेस्ट ही ना, तो यहाँ पे मुझे लगता है वो छोड़ के जा रही है कि नहीं जा रही है मैं नहीं जानता। खैर जो भी है तो कह रहा था कि पानी बीच में तुम चेयर लगा के बैठे हो यार, खैर छोड़ो। देखो बाकी एक्सपीरियंस बढ़िया था, वाटरफॉल बढ़िया है, अगर खाली मिलेगा तो बहुत बढ़िया मिलेगा आपको वाटरफॉल। और यह कि एक बार तो ज़रूर आओ तो तभी मज़ा आएगा। अब आपसे मिलता हूँ थोड़ी बहुत देर में आगे चल के, तब तक के लिए बाय।
बस ये है लैंडिंग लैंडिंग साइट है जहाँ पे लैंड होते हैं। ये यहाँ पे गेट बंद है।